हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। फ्रेंड्स, हमने स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाला लेक्चर ख़त्म कर दिया है। पहले आप उसे देखिए, उसके बाद इसे देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। वैसे ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से आप कर सकते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बट ये टॉपिक आजकल बहुत आ रहा है पेपरों में, तो इसलिए हम इसे अलग से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, इससे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, बोट डायरेक्शन है राइट, वाटर की डायरेक्शन राइट, तो मैं पता अगर हम पानी की डायरेक्शन में स्विमिंग करेंगे, बोट चलाएंगे तो स्पीड तेज़ हो जाएगी, तो इन दोनों की स्पीड को हम ऐड कर देंगे अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो। और अगर हम बोट चला रहे हैं लेकिन वाटर की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें पता है हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर हम स्विमिंग भी करेंगे या फिर बोट भी चलाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो इसे अपस्ट्रीम में कितना होगा, पी माइनस डब्ल्यू, मतलब ऊपर जाने के लिए स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए रिलेटिव स्पीड आएगी पी माइनस डब्ल्यू। बी है बोट की स्पीड, डब्ल्यू है वाटर की स्पीड। तो इसी बेस पर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, देखते हैं। ये ईजी क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई कीजिए पॉज करके इसे। ये साइन हम यूज़ करेंगे जब भी कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम से पहले अगर आपको रिवाइज करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके सिर्फ ये वाले क्वेश्चन कीजिए जिस पे वाला साइन है। हाँ, तो देखते हैं। इसमें क्या है कि 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जाती है डाउन रिवर, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 21, और अप स्ट्रीम दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर अप द रिवर। तो हमने बताया था डाउन स्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड होती है बी प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम में होती है बी माइनस डब्ल्यू। तो दो इक्वेशन है, हम दोनों इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2b 30, b की वैल्यू आ गई 15, w की आ गई 9, w को इसमें पुट करेंगे तो। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे रिलेटिव स्पीड क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए पॉज करके, फिर आप सॉल्यूशन देखना नेक्स्ट पेज पे। हाँ देखिए, सेम है, s प्लस डब्ल्यू 14 गिवन है, s माइनस डब्ल्यू 6, s की वैल्यू आ गई, डाउन स्ट्रीम गिवन था, अप स्ट्रीम गिवन था। हाँ, ये वीडियो शॉर्ट ही होगा क्योंकि इसमें बेसिकली हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। इसमें देखिए, पॉज करके आप ट्राई कीजिए, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। स्पीड दे रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसमें जो वाटर की स्पीड है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बोटमैन की स्पीड निकालनी है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब बी माइनस डब्ल्यू निकालना है हमें। तो हमें बी प्लस डब्ल्यू अप स्ट्रीम गिवन है 15, डब्ल्यू हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम गिवन है 1.5, तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो बोट की स्पीड आ गई 13.5 किलोमीटर पर आवर। पर इसमें पूछा क्या है, याद रखना, स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमें बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, जो कि अप स्ट्रीम जिसे हम बोलते हैं 13.5, बी की वैल्यू डब्ल्यू 1.5 आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे आप ट्राई कीजिए, ये भी इस तरह का सेम क्वेश्चन है। हाँ देखिए, इसमें यह स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस 36 किलोमीटर एंड 6 आवर्स। इसमें डायरेक्ट स्पीड नहीं दिया है, बट आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है। हमने पार्ट वन में देखा था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम के हम निकालेंगे 36/6 किलोमीटर पर आवर, और बोला है इसने कि 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 8 घंटे में अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे 40/8, 5 किलोमीटर पर आवर। सेम क्वेश्चन हो गया, ये बी प्लस डब्ल्यू डाउन स्ट्रीम 6, बी माइनस डब्ल्यू 5, दोनों का ऐड करा, सेम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये मैंने सॉल्व नहीं करा, सेम क्वेश्चन है, आप आंसर टैली कर लीजिए इसका। ये थोड़ा सा अलग है, इससे आप पहले खुद ट्राई कीजिए, इतना भी अलग नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, बट आप देखिए। तो भी मैं आपको समझाता हूँ, दो प्लेस हैं 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, दो बोट स्टार्ट हुई हैं दोनों साइड से, एक यहाँ से स्टार्ट हुई, एक यहाँ से स्टार्ट हुई, टुवर्ड्स ईच अदर। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट कीजिए। हाँ देखिए, ये 108 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये 12 किलोमीटर से यहाँ से स्टार्ट हुई, 15 किलोमीटर से यहाँ से स्टार्ट हुई एक, और स्ट्रीम की डायरेक्शन यहाँ पे है। तो हमसे बोला गया है कि सेम टाइम पे निकल गई है, यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली है, 1 वोल्ट डाउन स्ट्रीम जा रही है, ये हमने मान लिया डाउन स्ट्रीम जा रही है क्योंकि स्ट्रीम की डायरेक्शन हमने ये मानी है, और अदर अप स्ट्रीम, तो ये अप स्ट्रीम हो गई क्योंकि अगेंस्ट ऑफ स्पीड जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड गए। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर, तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम में मिलेंगे। तो टाइम निकालना है हमें, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस से कितना कवर करेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलेंगे, तो ये d1 कवर करेगा, d2 कवर करेगा,
तो डी वन प्लस डी टू हमें पता है पूरा हो जाएगा 108, तो डिस्टेंस कितना आ गया 108 किलोमीटर। स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड। हमने पार्ट वन में पढ़ा था अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो स्पीड को ऐड करते हैं, तो स्पीड कितना हो जाएगा एस वन 12 प्लस एस, एस टू 12 15 माइनस एस, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम था तो स्पीड स्ट्रीम की इसमें ऐड होगी, तो स्पीड आ गया 27। तो टाइम निकाल लेंगे 108/27 4 आवर्स। हाँ, ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं नेक्स्ट में। अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम वाइल कमिंग इन अप स्ट्रीम, इफ स्पीड ऑफ वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। इसमें बोल रहा है कि जैसे मान लो पहले वो क्या डाउन स्ट्रीम, वो 1 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाता है और 2 घंटे में अप स्ट्रीम जाता है, क्योंकि डबल टाइम ले रहा है, और हमें स्पीड ऑफ वाटर बताइए 3 किलोमीटर पर आवर, हमें बोट की स्पीड निकालनी है। तो हमें टाइम गिवन है, तो हम टाइम की वैल्यू इसके हिसाब से करेंगे। डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, मान लिया हमने इसने डिस्टेंस करा डी कवर, डाउन स्ट्रीम में स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, दोनों को ऐड, तो बी एज्यूम कर ली और 3 गिवन है, बी प्लस 3। ऐसे ही अप स्ट्रीम का टाइम निकालेंगे, वापस जाने में डिस्टेंस इक्वल लगा डी, स्पीड कितनी होगी बी माइनस 3, क्योंकि अप स्ट्रीम में माइनस होगा स्ट्रीम की स्पीड। हमें गिवन है टी यू, अप स्ट्रीम में जाने में उसे डबल टाइम लगा डाउन स्ट्रीम के, तो टी यू की वैल्यू यहाँ रखा 2 इंटू डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, डी से डी कट गया। बी के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, इसमें ये 9 1/3 लिखा है। अ मैन कैन बो 9 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब मैन की स्पीड दे दी इसमें कि डायरेक्ट ही है, एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू गो रो अप स्ट्रीम एज टू डाउन स्ट्रीम। देखिए पहले में ट्वाइस था, इसमें 3 टाइम्स है। सेम क्वेश्चन आप प्लीज़ खुद ट्राई कीजिए, आप सॉल्यूशन देखना, आई होप आपने आंसर सही निकालो। 9 1/3 को लिख सकते हैं 28/3, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन 28/3 आदमी का प्लस वाटर का प्लस हो गया इसमें, और अप स्ट्रीम का डी डिवाइडेड बाय ये बोट का स्पीड ऑफ मैन माइनस अप स्ट्रीम को माइनस कर दिया। देखिए पहले वाले में अप स्ट्रीम गिवन था इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी थी, अब हमें मैन की स्पीड गिवन है इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे, हमें स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे ऐसे रहेगा। तो इक्वेशन हमने पता है कि 3 टाइम्स है, तो डी डिवाइडेड बाई 28/3 प्लस डब्ल्यू इंटू 3 इज इक्वल टू दिस वन हो गया। इसे डब्ल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14/3। ईजी क्वेश्चन था, बस वही आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो बोलता हूँ ट्राई कीजिए तो आप ट्राई कीजिए, ये इन्हें याद करके आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब तक आपकी एनालिटिकल पावर नहीं बढ़ेगी तब तक आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो इसमें है, अब बोटमैन कैन बो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम द सेम डिस्टेंस इन 3 आवर्स। अच्छा, नीचे जाने में से लगा 2 घंटे, ऊपर आने में 3 घंटे, सेम डिस्टेंस है। इसमें स्ट्रीम का स्पीड बता दिया 4 किलोमीटर पर आवर, हमें बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, मतलब बी बताना है हमें, तो डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो डी डाउन स्ट्रीम इज ऑल टू डी अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ऐसे भी स्पीड इनटू टाइम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बी प्लस 4, क्योंकि अप स्ट्रीम की हमें गिवन है और वाटर की हमें स्पीड गिवन है, तो बी प्लस 4 हो गया। अप स्ट्रीम में प्लस, सॉरी डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, इनटू टाइम कितना लगा 2 घंटे। ऐसे ही अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी, बी माइनस 4 इनटू टाइम 3। इसे सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू आ गई। ईजी क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आप खुद ट्राई कीजिए, सेम क्वेश्चन मतलब उसी तरह का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार, फिर हम करते हैं। अब बोट्समैन गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। तो इसमें टोटल टाइम गिवन है, पहले वो ऊपर जाता है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर वापस आता है डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम गिवन है हमें 2 घंटे। स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, बोट की स्पीड हमें निकालनी है, तो हमें टाइम टोटल गिवन है, तो हम टाइम के टर्म्स में इक्वेशन बनाएंगे। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 6 किलोमीटर, 6 डिवाइडेड अप स्ट्रीम है तो माइनस होगा बी माइनस 4, डाउन स्ट्रीम का टाइम डिस्टेंस सेम है और डाउन स्ट्रीम में तो स्पीड ये प्लस होगा, तो हमें दोनों टाइम का एडिशन पता है 2 आवर्स, टोटल टाइम लगा 2 आवर्स। तो इक्वेशन में पुट करा,
अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बी माइनस फोर बी प्लस फोर, तो इसे हम सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन में देखेंगे कौन सी वैल्यू सूट कर रही है। तो अगर हम 8 की वैल्यू डालेंगे तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है, इसे सॉल्व नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें भी हम ऑप्शन देख के आंसर निकालेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ऑप्शन दे दिया है। एक बार आप खुद क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन था, उससे पहले था 4 किलोमीटर डिस्टेंस है क्यू और पी के बीच में, तो एक और टोटल टाइम लगा उसे 3 घंटे, और स्पीड ऑफ वाटर गिवन है, तो 4 डिवाइडेड बाई b+1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई b-1 इज इक्वल टू 3। बी की वैल्यू यहाँ से 3 सेटिस्फाई हो गई, तो आंसर आ गया b इज इक्वल टू 3। सेम वाला पहले वाला क्वेश्चन है, आप बस एक बार लैंग्वेज पढ़ लेना। और 12 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं अब, तो इसलिए मैं मुझे आपके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं आप ये ऐसे बनाया। हाँ ये एक और आप खुद ट्राई कीजिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं स्लाइडों से क्वेश्चन आएगा। हाँ देखिए देखिए डरेगा मत, इजी क्वेश्चन है। अ बोट गोस 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, नीचे 39 किलोमीटर गया, ऊपर 25 किलोमीटर गया, टोटल टाइम लगा इसे 8 घंटे। ठीक है अब इक्वेशन बना लेंगे, जैसे हम पहले कर देते हैं। डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, 39 डिस्टेंस अपॉन स्पीड बी प्लस डब्ल्यू, प्लस में अप स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, 25 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 8। ऐसे उसने बोला है 10 घंटे लगते हैं टोटल अगर 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं, तो ऐसी इक्वेशन बन गई डाउन स्ट्रीम की है और अप स्ट्रीम की है। अभी दो इक्वेशन सॉल्व करके हम बी और डब्ल्यू की वैल्यू निकाल देंगे, हमें वैसे बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर हम इसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम एक ट्राई क्या करते हैं, मतलब इसे जुगाड़ बोलूँगा मैं, ऑप्शन देख के निकालना। तो देखिए अब इसमें ऑप्शन में भी आप कैसे वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ बोट गिवन है, डब्ल्यू की वैल्यू तो आप पुट भी नहीं कर सकते। तो हम इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये 39 13 से डिवाइड हो जाता है, 25 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे बी प्लस डब्ल्यू 39 52 से डिवाइड हो जाएगा, और 52 13 से डिवाइड हो जाएगा, और 30 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो बी प्लस डब्ल्यू 13 से डिवाइड हो रहा है दोनों केस में, तो हमने एज्यूम करा बी प्लस डब्ल्यू 13, बी माइनस डब्ल्यू दोनों केस में 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने एज्यूम करा 5। सॉल्व करा तो बी आ गया 9 किलोमीटर पर आवर, ये था हमारा आंसर। फ्रेंड्स ये देखिए इस क्वेश्चन में लग गया, अब हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है इतना ईजिली लग जाए, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन कर करके आपको समझ आएगा कि कैसे इक्वेशन से वैल्यू उठानी है, और थोड़ा सा प्रिडिक्ट करेंगे ना और वो वैल्यू निकल रही है, तो मोस्टली आंसर ऐसे ही आ जाता है। बट अगर आपको सॉल्व करना है तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में हम सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए ये दो इक्वेशन थी, अब हमें इसे कट करने के लिए इक्वल बनाना पड़ेगा, 25 और 30 को इक्वल बनाते हैं, हमने उनके एलसीएम लिया जो क्या है 150, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करा, तो इक्वेशन ये बन गई। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करा, तो इन इसको इसको माइनस करा तो आया -26 डिवाइड बाई बी प्लस डब्ल्यू, इसको इससे माइनस करा ये पूरा 0 हो गया, इसको इससे डिवाइड करा माइनस करा सॉरी तो -2 आ गया, तो बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई 13, जो कि हमने पहले भी एज्यूम करी थी। अब 13 हम इस इक्वेशन में रख देंगे, 39 बाई 13, 3 से ये यहाँ पर 3 वैल्यू आ गई, तो ऐसे बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से जो कि आ गई 5। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बी 9 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया था और हम पे इतना टाइम नहीं होता आजकल, तो इसलिए आप ट्राई कीजिए ऑप्शन से अगर आपका आंसर निकल जाए। फ्रेंड्स आई होप आपको ये पसंद आया होगा, वैसे तो क्वेश्चन इजी थे बट आपको एक आइडिया हो गया कि बोट और स्ट्रीम के जल्दी से क्वेश्चन हमें कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टाइम डिस्टेंस और स्पीड हमारा ये पहले वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद हमने कंपाउंड इंडस्ट्री कवर कर लिया है, उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू।